भाई जय श्री राम सारे भैया ने। तो सबसे ज़्यादा क्वेरी जो मेरे पास अभी तक आ रही है वो ये है, कनाडा से यूएसए कैसे आना है। मेरे कई जो इंस्टाग्राम का पेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मैसेज आ रखे हैं, फ्रॉम कनाडा टू यूएसए, और क्या कनाडा से यूएसए में आकर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके कई जवाब है। अगर आप आ रहे हो लीगली यूएस, आपके पास वीज़ा, आप लीगली यूएसए आ रहे हो, यूएसए आ गए, अपने असाइलम आप अप्लाई कर दी, दैट्स डिफरेंट केस, वो आप कर सकते हो क्योंकि आप यूएसए में लीगली आए हो, इलीगली नहीं आए हो। जो लीगली आया, अनटिल और अनलेस यू आर स्टेइंग इन यूएसए यू कैन जस्ट अप्लाई फॉर द असाइलम। हिंदी में बोले, अगर आप यूएसए में प्रेजेंट हो तो आप असाइलम अप्लाई कर सकते हो। पर सबसे मेन बात एक ये है, जो बोल रहे हैं कि कनाडा से यूएसए आएंगे इलीगली बॉर्डर क्रॉस करके तो असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका जवाब है ना। क्योंकि असाइलम अप्लाई करने का क्या इशू है कनाडा से यूएस अगर इलीगली आ रहे हो। एक थोड़े कुछ साल पहला कनाडा और यूएस के बीच में ट्रीटी हुई थी जिसके तहत अगर कोई कनाडा से इलीगली बॉर्डर क्रॉसिंग करके यूएस से आ रहा है असाइलम अप्लाई करेगा तो असाइलम रद्द मानी जाएगी, वो अप्लाई नहीं होगी, उस बंदे की डिपोर्टेशन ही आ जाएगी। क्योंकि अगर आपको यूएस में असाइलम अप्लाई करनी है तो उसकी एक कंडीशन है कि आपको पहले कनाडा में असाइलम अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर कनाडा से बॉर्डर क्रॉसिंग करके आ रहे हो कनाडा में, आप असाइलम अप्लाई करोगे, अगर वहाँ आपकी असाइलम रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप यूएस आके इलीगली जैसे भी फिर आप बेशक अप्लाई कर दो, यूएस में वो वैलिड मानी जाएगी, आपको वो डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे कि मैं यहाँ पे कनाडा में मैं ऐसे ऐसे आया हूँ कनाडा से, क्योंकि आपको यह तो मेंशन करना पड़ता ही आप कहाँ से आए हो, ठीक है, पासपोर्ट आपका लग गया है, तो ट्रीटी के तहत आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कनाडा में असाइलम अप्लाई करी थी, वहाँ से मेरी फेल हो गई, इसलिए मैं यूएस आके अपने असाइलम अप्लाई कर रहा हूँ। दूसरा सवाल जो सवाल था उस था अडॉप्शन का। मैंने एक रील डाली, बढ़िया वायरल होगी, 2-3 लाख व्यू उस पर, अडॉप्शन की क्या स्कीम है भाई। इफ़ यू आर अंडर 21 भी ये नहीं है कि एक महीना रह गया है, एटलीस्ट 6 महीने रह रहे हैं आपके 21 के होने में, 6 महीने से ज़्यादा, तब आप एडॉप्शन आपकी कोई कर सकता है और आप फिर पीआर के लिए फाइल कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि औरत और आदमी दोनों यहाँ पे यूएस में प्रेजेंट होने चाहिए, जो आपको अडॉप्ट करेंगे दोनों सिटीजन होने चाहिए, एक कल्ला बंदा आपको अडॉप्ट नहीं कर सकता। और दूसरा, उनको अपने बैंक स्टेटमेंट्स, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन भी दिखानी पड़ती है, इफ़ दे आर वेल लाइक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, अगर वो फाइन भाई पैसा पोषण के पास ठीक है और आपको वो खर्चा अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं तभी वो आपको यहाँ पे वो कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देख लोग लुगाई है, वो है सिटीजन, कर रहे हैं स्टोर पे काम, दे कांट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते। और उसमें आपके बता दूँ, आप ये सोच रहे हो मेरे चाचा चाची है, सगे या मामा मामी है, अंकल आंटी हैं, पीआर वो यहाँ पे, और वो मेरे को यहाँ पे आके उनके थ्रू मैं अगर पीआर डाल दूँ तो आप नहीं डाल सकते, ब्लड रिलेशन होना चाहिए, चांस ही नहीं बनता, सगे माँ सगा बाप, इनके अलावा अगर कोई है वो आपको नहीं पीआर के लिए स्पॉन्सर कर सकते, ब्लड रिलेशन सगे, ठीक है। और एक भी ये था, अगर भाई यहाँ पे आकर शादी कर ले फिर बेबी हो जाए तो फिर आप पीआर डाल सकते कि नहीं डाल सकते, वो जो बच्चा पैदा होगा वो यहाँ पे सिटीजन होगा, आप नहीं होगे, ठीक है। तो वो बच्चा जब 18 साल का हो जाएगा यहाँ पे, तब 18 साल का होने के बाद वो रिटर्न देगा, तब जाके आप अपनी जो पीआर हो, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हो। अंटिल देन यू आर गोना स्टे हेयर ऑन यू वीज़ा, ठीक है, एक अलग वीज़ा होता है, तब तक आप उसकी टेक केयर करने के लिए एज ए गार्जियन यहाँ पे रहोगे, गार्जियन वीज़ा बोलते हैं आप जिसको, ठीक है। हाँ, काम कर सकते हैं, पूरी सुविधा होगी, इंडिया आ जा सकते हैं, सब होगा आपके पास, बस सिटीजनशिप ग्रीन कार्ड नहीं होगा। अब कोई सोचेंगे इंडिया तो आ जा सकता हूँ मैं तो ग्रीन कार्ड का क्या करना है, जब तक आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड या सिटीजन नहीं हो, पीआर नहीं हो, आप अपना खुद का बिजनेस नहीं कर सकते, आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं। अगर वैसे मैं हूँ जैसे यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, ये भी एज एम्प्लॉयमेंट ही मानी जाएगी, ठीक है, जितना टाइम मैं यहाँ पे स्पेंड कर रहा हूँ यहाँ से मेरी जितनी इनकम आ रही है उसको भी मेरे वर्क परमिट जो 8 आवर्स पर डे होता है परमिट का एवरेज, उसमें से ये आवर्स कटेंगे, बिना वर्क परमिट के मैं यूट्यूब वीडियोज़ भी नहीं बना सकता। मैं ये क्यों बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस, मेरा इंडियन अकाउंट है, मैं इंडिया में तो सिटीजन हूँ ही ऑब्वियसली, वहाँ का तो बॉर्न ही हूँ मैं, ठीक है, मूल वासी हम वहाँ के,
तो वहाँ से वहाँ मैं वहाँ की आइडिया यूज करी है मैंने, अपने वहाँ के डॉक्यूमेंट्स, अपना बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, सब कुछ मैंने अपना डॉक्यूमेंट वहाँ का दिया है यूट्यूब में, यहाँ का मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, टैक्सेशन मैंने अकॉर्डिंग टू इंडिया, ये यूएसए की करी है अपनी टैक्सेशन, क्योंकि मेरे को यूएस डॉलर्स में पेमेंट आनी है सारी, सबको यही आती है, अपनी मर्जी होती है, पर यूएस डॉलर में ही आती है। मैंने टैक्सेशन यहाँ की करी है, मेरे पास टीन नंबर था, TIN, वो दिखाया मैंने अपना आई डी, ऑप्शनल था, बोले है तो दे दे, मैंने दे दिया। इंडिया में 30% है, यहाँ पे थोड़ा कम है, तो उसके पैसे बच जाते हैं। तो भाई यही था आज के लिए, अभी भी आप किसी की क्वेरीज और डिटेल में किसी टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, या फिर मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर देना। दो आइडिया मेरी, jeet_in_USA और एक haryanvi_in_USA, ये दो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल्स है, आप यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली DM कर लेना, कॉल उसकी कॉल, मैसेज उसका मैसेज, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। ठीक है, जय श्री राम सर भाई।